एक तो मैं लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह करके आया हूँ और मैं अनुभव करता था कि बार बार चुनाव, आचार संहिता, किसी भी राज्य में चुनाव हो तो मेरे राज्य से 30-40 सीनियर अच्छे अफसर ऑब्जर्वर के नाते जाते थे इलेक्शन ड्यूटी, तो 40-50 दिन तक वो बाहर रहते थे। तो मुझे चिंता रहती थी कि मैं सरकार कैसे चलाऊं, क्योंकि देश में ऐसे चुनाव होते ही रहते और मेरे ऑब्जर्वर जाते रहते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये इसको वैकेशन नहीं मानता हूँ, मैं चुनाव होगा तो उस पीरियड को वैकेशन के रूप में नहीं लूँगा। मैं अफसरों को पहले से काम देता हूँ, भाई अगली सरकार के लिए ये काम करो। तो मैं उस समय भी 100 दिन का प्लान करता था। हाँ, उसी में पूछना था मुझे। हाँ, अभी तो चुनाव हो ही रहे हैं, अभी रिजल्ट्स भी नहीं आए और आप 100 दिन का प्लान बना रहे हैं। मैं चुनाव में जाने से पहले शुरू किया। हाँ, और दरअसल मैंने कैसे किया कि मैं पिछले 2 साल से 2047 को ध्यान में रख के काम करता था और उसके लिए मैंने देश भर में लोगों के ओपिनियन मांगे, सुझाव मांगे। शायद 15 लाख से अधिक लोगों के मैंने सुझाव दिए हैं कि वो आने वाले 25 साल में हिंदुस्तान को कैसे देखना चाहते हैं। और मैंने सभी यूनिवर्सिटीज़ को कांटेक्ट किया, मैंने अलग अलग एनजीओ को कांटेक्ट किया, संगठनों को, और 15-20 लाख लोग उन्होंने इनपुट दिया। फिर मैंने एआई की मदद लेकर के उसको सब्जेक्ट वाइज बनाया, उसके काफ़ी मैंने टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया। ओके, मैंने हर विभाग में अफसरों की एक डेडिकेटेड टीम बनाई कि भाई इस पर काम कीजिए, कैसे हो सकता है अगले टर्म के लिए, 25 साल के लिए। अच्छा, और फिर मैंने खुद ने उनके साथ बैठा, प्रेजेंटेशन लिए 2-2.5 घंटे और मेरा विजन के अनुरूप क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें डुएबल हैं, कौन सी चीज़ें डुएबल नहीं, थोड़ा सा ट्रेलर बता सकते हैं उसको। मैं ऐसा है कि आचार संहिता चल रही है। अच्छा, मैं अभी अगर इन चीज़ों को बताऊंगा तो शायद कोई उसको गलत अर्थ में ले लेगा, तो मैं उसमें फंसना नहीं चाहता हूँ जी, लेकिन इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है, मिल ही जाएगा। दूसरा, मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मैं डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, जो मेरा विजन है जी, लेकिन वो विजन मोदी की बपौती नहीं है, वो 15-20 लाख लोगों के विचारों को उसमें समाहित है। एक प्रकार से इसकी ओनरशिप देश की है, 15-20 लाख लोग इनपुट देते हैं, मतलब पूरा देश दे रहा है जी। मैंने क्या किया है कि मैंने उसको अभी डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार करवा रहा हूँ, जैसे ही चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तुरंत वो स्टेट को भेज दिया जाएगा। ओके, मैं चाहूँगा कि स्टेट उस पर काम करे, स्टेट को क्या लगता है क्या हो सकता है क्या नहीं। और वो सिर्फ बीजेपी स्टेट्स नहीं है, सभी नहीं, पूरा देश, ये देश का है, ये भाजपा का नहीं है जी। ओके, ये काम देश का है जी। फिर मैं नीति आयोग की मीटिंग बुलाऊंगा, उसमें इस पर व्यापक चर्चा करूंगा मुख्यमंत्रियों के साथ और फिर उसमें से एक फाइनल चीज बनेगी। दूसरी तरफ मैंने अफसरों को कहा कि अभी जो हमारे सामने चित्र बना है, जो कुछ भी इनपुट आए उसके आधार पर मैंने अपने इनपुट दिए, उसमें से मुझे 3 हिस्सों में काम करना है। एक, बीजेपी का जो मैनिफेस्टो आएगा उसमें से करणीय काम तुरंत कैसे ले सकते हैं। दूसरा, ये जो 25 साल का हमारा जो एक खाका बना है, जो मेरा अपना विजन है, अभी तो मैं चाहूँगा कि मुझे और भी उसमें क्रिटिकल इनपुट चाहिए मुझे। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि सब कुछ मुझे ही समझ और मुझे ही दिखता है। कोशिश मैंने भारी की, मैंने काफ़ी समय लगाया इसमें। उसको मैं 3 हिस्सों में बांटा, एक 25 साल, उसके लाइट में मेरे नेक्स्ट 5 ईयर, और उसके लाइट में मेरे फर्स्ट 100 डेज। तो इस प्रकार से मैंने पूरा डिजाइन बना लिया, अफसरों को काम पे लगा दिया है, क्योंकि मैं 1 मिनट भी गंवाना नहीं चाहता हूँ जी। अब आपको याद होगा 2019 में, बहुत कम लोगों को ध्यान रहता है, उस समय भी मैंने 100 दिन का काम दे करके चुनाव के मैदान में गया था, और जब वापस आया आर्टिकल 370 100 दिन में मैंने कर दिया, 3 तलाक से मेरी बहनों को मुक्ति दिला दी, पहले 100 दिन में किया, UAPA बिल सिक्योरिटी को लेकर के हमने 100 दिन में कर दिया,
बैंकों का मर्जर बहुत बड़ा काम था, हमने 100 दिन में गया। इतना ही नहीं, पशु का टीकाकरण, ये कोविड के टीकाकरण की इतनी चल रहा है ना, मैं देश में पहली बार करीब 15,000 करोड़ रुपये लगा करके पशुओं के टीकाकरण का बड़ा अभियान चला रहा हूँ, और मैंने 19 में पहले 100 दिन में किया था। तो मैं 100 दिन का क्या काम करना वो हैफाजर नहीं करता, मैं बिल्कुल प्लानिंग करके उसको आधार पर आगे चलाता हूँ।